अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आमिर द फिजिक्स गाइड चैनल। उसी सिलसिले के आज नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करते हैं, और जिन लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपने यूजर से भी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये बेल आइकॉन जो आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक कर दीजिए ताकि इस लेक्चर की और इस सीरीज की जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू। आमिर प्लीज स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पिछले लेक्चर पे प्रोसीड करेंगे। अगर लास्ट टाइम हमने सिस्टम पढ़ा था नॉन डिजेनरेट सिस्टम, नॉन डिजेनरेट सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास सिस्टम की जो डिजेनरेसी है वो वन हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, इन सब एनर्जी स्टेट्स की जो वैल्यू है एनर्जी की वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, जिसे हम कहते हैं ये नॉन डिजेनरेट सिस्टम। अगर हमारे पास ये जो सिस्टम है इसकी एनर्जी की वैल्यू आपस में मैच करे तो उसे हम कहते हैं जी डीजनरेट सिस्टम। आज हमने वो पढ़ना है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डेट हैव सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी। Is called degeneracy. इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी डिजेनरेसी। इस अगर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राउंड स्टेट ई नॉट ई वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड सो ऑन। अगर मैं कहता हूँ जी एनर्जी ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इक्वल है या सेकंड एक्साइटेड स्टेट की और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की इक्वल है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लेकिन इनकी वैल्यू सेम आ रही है तो उसे हम कहते हैं डीजनरेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनर्जी का फार्मूला होता है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वॉक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें इसकी रेंज जीरो टू ए, इसके अंदर हमारे पास इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, पार्टिकल का आउटसाइड इनफाइनाइट होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एन को एन एन स्क्वायर कैन बी रिटन एज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर फॉर थ्री डिमेंशन। अगर एन की वैल्यू मैं फर्स्ट एक्साइटेड से सपोज ग्राउंड स्टेट के लिए मैं लिख रहा हूँ जीरो वन जीरो, एक्स पे जीरो है, वाई पे वन है, जेड पे जीरो है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आएगी जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वन। ई वन मैं कह रहा हूँ जी ई वन जीरो जीरो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ जी एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जी स्क्वायर। अब मेरे पास एन एक्स ये जो पहला है ये एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, इसका स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर ये मुझे आंसर देगा वन। अब ये मेरे पास जीरो वन जीरो है और ये मेरे पास वन जीरो जीरो है, इनकी वैल्यू सेम आ रही है, जब इसमें हम पुट करेंगे से ई जीरो वन जीरो तो इसकी जगह पे जो वैल्यू आई थी मेरे पास वो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वो मेरे पास आई है वन वन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर। सिमिलरली मैं इसके लिए जब पुट करूंगा तो मेरे पास आएगी ई वन जीरो जीरो, तो इसके लिए भी मेरे पास वैल्यू वन आ रही थी वन पाई स्क्वायर
एच कर स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर. अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी डी जनरेसी जो है वो टू है. डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दैट हैव सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं जी डी जनरेसी. आज हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं. अच्छा, हमने सिस्टम पढ़े थे मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन एंड स्टैटिस्टिक्स. जो सिस्टम को क्लासिकल डील करता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम या स्टैटिस्टिक्स. ये हमारे पास सिस्टम डीजनरेट भी हो सकता है, नॉन डीजनरेट भी हो सकता है. हमने इसको पिछले केसेस में नॉन डीजनरेट सिस्टम तक इसको पढ़ा था. आज हम इसका डीजनरेट सिस्टम स्टडी करेंगे. उसके लिए हमने देखा था इसकी माइक्रो स्टेट्स जो थी, जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था, वो इक्वल थी एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल. जितनी भी उसकी मतलब कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे वो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल के साथ डिवाइड हो जाएंगे. ये था फॉर नॉन डीजनरेट. अगर हमारे पास डीजनरेट सिस्टम हो, उसकी जो माइक्रो स्टेट्स हैं उसका निकालने का फार्मूला एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल सो ऑन इनटू डीजनरेसी एन वन एन टू. हर एनर्जी लेवल्स की डिफरेंट मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी वैल्यू सेम होगी. ये वो हमारे पास डीजनरेसी आ जाएगी. उसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एन वन, सिमिलरली जी टू के ऊपर एन टू लिख देंगे, ऐसे सोन ये हमारे पास चलता जाएगा. ये हमारे पास फॉर डीजनरेट सिस्टम हो, डीजनरेट सिस्टम हो तो उसमें माइक्रो स्टेट्स फॉर निकालने का फार्मूला ये है फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. अब हम करते हैं इसे कुछ वेव फंक्शन. हमने ये पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, ए ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है साइन पाई एन ओवर एल एक्स, ये मेरे पास एन एक्स है, इनटू साइन पाई एन वाई वाई एल वाई इनटू साइन पाई एन जी इनटू जी ओवर एल जी. ये हमारा वेव फंक्शन होता है जो हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ड्राइव करते हैं. तो उसके साथ हम एनर्जी भी ड्राइव करते हैं, जिसका फार्मूला ये होता है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर टू एम ए स्क्वेयर. ए इज द लेंथ ऑफ अ बॉक्स. एन को मैं लिख सकता हूँ जी एन स्क्वेयर कैन बी स्क्वेयर प्लस एन जी स्क्वेयर. ग्राउंड स्टेट के लिए जो लोएस्ट इसकी एनर्जी स्टेट होंगी, जो होगी एनर्जी की, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगा. उसके लिए एन एक्स की वैल्यू वन होगी, एन वाई की वैल्यू भी वन होगी. जब इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो ये मुझे एन स्क्वेयर देगा, वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू थ्री. एन मेरे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट थ्री. इसमें मैं पुट कर दूंगा. सर काइंडली अपना पेज थोड़ा सा ऊपर कर लें, विजिबल नहीं है, जरा पेज ऊपर कर लें. जी जी. E वन वन वन. तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर मेरा आया था थ्री, थ्री पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर. ये मेरे पास एनर्जी आ गई फॉर ग्राउंड स्टेट. ये मेरे पास नॉन डीजनरेट सिस्टम है, नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल है ये.
क्योंकि और किसी भी स्टेट की एनर्जी इसके इक्वल नहीं आएगी, इस वजह से ये नॉन डिजेनरेट सिस्टम है, मतलब ये नॉन डिजेनरेट। अब हम आगे करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के लिए देखते हैं क्या उनकी एनर्जी आपस में मैच कर रही है नहीं। लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं एन एक्स इज इक्वल टू वन, एन वाई इज इक्वल टू टू, एन जी इज इक्वल टू वन। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इसका जो वेव फंक्शन एनर्जी लेवल होगी वो इस तरह लिखा जाएगा, वन टू वन, एन एक्स एन वाई और एन जी। इसको जब मैं फार्मूला में पुट करूंगा, एन स्क्वेयर मेरा इससे इक्वल आएगा वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, डेट इज इक्वल टू सिक्स। तो इसको लिखूंगा जी सिक्स पाई स्क्वेयर एच का स्क्वेयर ओवर टू एम ए स्क्वेयर। अगर इसको मैं एन एक्स को वैल्यू दे रहा हूँ टू टू की, यहाँ पे एन वाई टू था और एन एक्स वन था, या अब मैं एन एक्स को टू कह रहा हूँ और एन वाई को वन वैल्यू साइन कर रहा हूँ और एन जेड को भी वन वैल्यू साइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एन स्क्वेयर मेरा आएगा टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, डेट इज इक्वल टू सिक्स। तो एनर्जी इसकी होगी टू वन वन, जो कि हमारे पास सिक्स पाई एच कट स्क्वेयर ओवर टू एम ए स्क्वेयर। सिमिलरली अब मैं एन एक्स को वन वैल्यू साइन कर रहा हूँ, एन वाई को भी वन वैल्यू साइन कर रहा हूँ और एन जेड को मैं टू वैल्यू साइन कर रहा हूँ। तो इस केस में इसका जो एन स्क्वेयर होगा वो हमारे पास वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, ये भी हमारे पास सिक्स के इक्वल आएगा। तो इसका जो इसकी एनर्जी लिखी जाएंगी वन वन टू, जो कि सिक्स पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर टू एम ए स्क्वेयर। इसका मतलब है एनर्जी ई वन टू वन, एनर्जी टू वन वन और एनर्जी वन वन टू, इनकी वैल्यू सेम आई है। इन सब की वैल्यू हमारे पास सिक्स पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर टू एम ए स्क्वेयर आ रही है। इसका मतलब है इसकी जो डीजेनरेसी है वो थ्री है, क्योंकि हमारे पास थ्री लेवल्स हैं जिनकी वैल्यू ये आ रही है, इसके इक्वल आ रही है सिक्स सिक्स टाइम्स और ये कॉन्स्टेंट। तो इसकी जो डीजेनरेसी होगी वो हमारे पास थ्री होगी। एक चीज बीच में बता दें, जब हम कहते हैं एन एक्स एन वाई एन जी और उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, कभी एन एक्स को वन ले लिया कभी टू ले लिया, ये इसका मतलब क्या है, यानी कि और एन का क्या इस मतलब तरह है ना, वन वन टू, इसके कॉम्बिनेशन टोटल कितने बन सकते हैं, थ्री बन सकते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वन वन टू को वन टू वन, फिर टू को इधर ले आऊंगा टू वन वन, मतलब एक्स एक्सिस में मेरे पास जो उसकी नंबर ऑफ पार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अगर उसका मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में पहले वन था, वाई डायरेक्शन में भी वन था लेकिन जेड डायरेक्शन में टू था, फिर एक्स डायरेक्शन में वन है, वाई डायरेक्शन में मैंने उसको डबल कर दिया और जेड डायरेक्शन में सेम रहा, फिर मैंने एक्स में डबल कर दिया वाई और जी में सेम रखा, तो मैंने जब इनकी एनर्जी लेवल्स चेक की तो एनर्जी लेवल्स इनकी जो एनर्जीज की वैल्यूज थी वो सेम आ रही हैं, तो उसे हम कहते हैं जी डीजेनरेसी। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, इससे रेलेवेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स विद एज लेंथ इज, एज की जो लेंथ है वो L1, L2 और L3 है। हमने इसकी फाइंड द एनर्जीज ऑफ द सिक्स्थ लोएस्ट स्टेट इफ L1 इज इक्वल टू L, L2 इज इक्वल टू 2L एंड L3 इज इक्वल टू 2L। हमारे पास एनर्जी का जो फार्मूला होता है E n इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m L square, यहाँ पे हम AL ले रहे हैं, length of a box। इसको अब हमारे पास length vary हो रही है यहाँ पे, मतलब L1 x-axis की जो length है वो same है
वाई एक्सिस की जो लेंथ थी उसको डबल कर दिया, और जी एक्सिस की जो लेंथ थी उसको भी डबल कर दिया, तब हमारे पास इफेक्ट देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी, ई एन इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर टू एम। एन मेरे पास एन एक्स या एन वन ले रहा हूँ, एक्स यहाँ पे हमने वन लिया हुआ है, वाई हमने टू लिया हुआ है, और जी हमने थ्री लिया हुआ है। एन वन ओवर इस एल को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ जी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल वन स्क्वायर एल टू स्क्वायर एल थ्री स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास एन को भी मैं चेंज करूँगा ना, एन मेरे पास था एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर। तो ये एल वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, एन वन ओवर एल वन प्लस एन टू ओवर एल टू का होल स्क्वायर प्लस एन थ्री ओवर एल थ्री का होल स्क्वायर। ये इनको प्लस हम क्यों ले रहे हैं, ये तो मल्टीप्लाई नहीं टर्म्स होंगी एन वन एन। नहीं 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 प्लस इस वैसे ले रहे हैं, एन स्क्वायर पे मैं ये लिखूंगा ना दरमियान में प्लस, एन स्क्वायर इज इक्वल एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर, ये वाला प्लस है इनके दरमियान ये वाला। अब इसकी जगह पे मैं इसको h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m ओवर n1 स्क्वायर l1 मेरा l के इक्वल था तो l स्क्वायर n2 मेरा एज इट इज रहेगा n2 स्क्वायर l2 मेरा 2l था तो इसका स्क्वायर आ जाएगा जी 4l स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर ओवर l3 मेरा 2l तो ये आ जाएगा जी 4l स्क्वायर। इन कैल्शियम ले लें, इन कैल्शियम आ रहा है हमारे पास 4l स्क्वायर, तो यहाँ पे l स्क्वायर से कैंसिल 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8 तो ये मेरे पास आ गया जी a सॉरी h का h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 8m l स्क्वायर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा m और l स्क्वायर एज इट इज इनटू नॉमिनेटर में n1 स्क्वायर प्लस 4n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इसको मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है ये, तो ये मेरे पास इसको वैल्यू मैं कह रहा हूँ जी ई नॉट। ई एन जो मैं लिखूंगा ई एन इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स फोर वन स्क्वायर प्लस एन फोर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर, ये मेरे पास एनर्जी सिस्टम की आ गई। अब इसका हमने वेव फंक्शन लिखना है, मतलब वेव फंक्शन की जो स्टेट होंगी वो लिखेंगे और इसकी हम बताएंगे जी डी जनरेसी क्या क्या है, इसकी कितनी है। ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट हमारे पास बेसिकली सबसे लोएस्ट स्टेट स्टेट होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी एन वन इज इक्वल टू वन एन टू इज इक्वल टू वन एंड एन थ्री इज इक्वल टू वन, सबके वैल्यू वन वन है। अब मैं इसको एक पैटर्न सा इसका ड्रा कर लेता हूँ एन वन एन टू एन थ्री, यहाँ पे एनर्जी टोटल ई एन जो कि किसके इक्वल आई थी ई नॉट टाइम्स फोर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी स्टेट मतलब वेव फंक्शन जो मेरा लिखा जाएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास n1 की वैल्यू भी 1 है n2 की वैल्यू भी 1 है और n3 की वैल्यू भी 1 है। तब इसमें मैं पुट करूंगा इसे तो en
ये मेरे पास आ जाएगा जी ई वन 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 ई नॉट फोर वन स्क्वेयर फोर एन वन स्क्वेयर एन वन की जगह पे मैं वन पुट करूंगा, वन का स्क्वेयर वन मल्टीप्लाई बाय फोर फोर प्लस वन का स्क्वेयर वन प्लस वन का स्क्वेयर वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सिक्स। तो ये मेरे पास इसकी एनर्जी आ गई जी सिक्स ई नॉट, इसका जो वेव फंक्शन है वो साई वन वन वन। अब मैं एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हूँ, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट थी, अब एक्साइटेड स्टेट किसी एक स्टेट को हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वन से ग्रेटर देन कर देंगे, वन 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 ग्राउंड स्टेट के लिए होता है, इसको आप कर दें टू वन वन कर लें या वन टू वन कर लें या वन वन टू कर लें, तो इसको मैं पहले कर रहा हूँ वन वन टू। अब ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसका जो एनर्जी बनेंगी ई वन वन टू, वन वन टू इज इक्वल टू ई नॉट फोर प्लस फाइव प्लस टेन प्लस सॉरी नाइन हो जाएंगे टोटल, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव प्लस फोर नाइन, तो ये मेरे पास आ गई जी नाइन ई नॉट, इसका जो वेव फंक्शन बनेगा वो साई वन वन टू। सिमिलरली इसको मैं आगे पीछे रिप्लेस कर रहा हूँ वन टू वन, ये मेरे पास हो जाएगा जी साई वन टू वन, इसमें एनर्जी देख लेते ई नॉट इंटू फोर स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर फोर प्लस, तो ये मेरे पास आ रही है जी नाइन नाइन ई नॉट साई साई वन टू वन टू वन वन टू वन वन इज इक्वल टू ई नॉट टू का स्क्वेयर फोर, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन प्लस वन का स्क्वेयर सेवनटीन प्लस वन का स्क्वेयर एटीन हो जाएंगे टोटली, तो ये आ गया मेरे पास एटीन ई नॉट साई टू वन वन। तो ये मेरे पास है जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जो तीन है। अब इस केस में वन वन टू वन टू वन टू वन वन, मतलब ये वन वन टू के ही तीन कॉम्बिनेशन बने हैं मेरे पास, लेकिन वन वन टू और वन टू वन ये मेरे मुझे सेम वैल्यू दे रहे हैं नाइन ई नॉट नाइन ई नॉट, लेकिन टू वन वन मुझे इनका टू टाइम्स वैल्यू दे रहे हैं एटीन ई नॉट, मतलब इसकी जो डी जनरेसी है इस सिस्टम की वो टू है। पीछे हमने देखा था वन वन टू वन टू वन और टू वन वन, इनके हमारे पास वैल्यू सेम आई थी, उसकी डिजेनरेसी थ्री थी, यहाँ पे डिजेनरेसी टू आ रही है इस वजह से क्योंकि हमने लेंथ जो है वो चेंज की है, हमने इस केस में जो इसकी लेंथ थी ना, अगर हमने इसकी लेंथ को चेंज की है एल वन एल टू और एल थ्री, तो हमारे पास जो इसकी डिजेनरेसी है सिस्टम की वो चेंज हो जाती है। अब मैं वन टू टू इसका इसकी वैल्यूज चेक करता हूँ एनर्जी की, ई वन टू टू फोर, ये टू स्क्वेयर फोर प्लस टू स्क्वेयर फोर फोर प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व, तो ये मेरे पास आ रहा है जी ट्वेल्व ई नॉट, इसकी जो वेव फंक्शन होगा साई वन टू टू। फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस टू को यहाँ पे ले आ रहा हूँ टू वन टू वन टू, इसकी जो मेरे पास बनेगी ई नॉट फोर टू स्क्वेयर फोर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन प्लस वन स्क्वेयर सेवनटीन प्लस टू स्क्वेयर ट्वेंटी और प्लस ये ट्वेंटी वन हो गया मेरे पास ट्वेंटी वन ई नॉट, इसका जो वेव फंक्शन बनेगा मेरे पास टू वन टू। फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ टू टू वन, तो ये मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी टू स्क्वेयर फोर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन प्लस टू स्क्वेयर फोर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी प्लस वन स्क्वेयर ट्वेंटी वन, तो ये मेरे पास आ रहा है जी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ई नॉट टू टू वन।
ये मेरे पास है जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये तीनों। अब इस केस में भी मेरे पास जो डीजेनरेसी आ रही है फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, डीजेनरेसी आ रही है मेरे पास टू। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी भी टू है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी डीजेनरेसी टू है। उसकी जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो 9E0 आ रही है, 9E0, और यहाँ पे मेरे पास 21E0, 21E0। ये फर्क किस वजह से आया, यहाँ पे 12 आ रही है, यहाँ पे 20, यहाँ पर 21 और 21 इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने लेंथ चेंज कर दी है L1, L2 और L3। अगर वो चेंज ना करते तो फिर ये तीनों, ये इस सिस्टम के सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो डीजेनरेसी थी वो 3 होने थी। काइंडली सॉरी, एक अभी वो लिंक ड्रॉप हो रहा है, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।